वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सब से कुछ कहना है। कोरोना वायरस जो आप सबको पता है, ये दुनिया भर में इस तरह से फैला है, हमें ही इसे भगाना है हमारे देश के बाहर, हमारे घरों से, हमारे फैमिली से, हमारे कॉलोनी से। प्लीज़ लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन प्लीज़ लॉकडाउन कीजिए। अपने सामान है, एक बंदे को बाहर भेजिए और मंगवा लीजिएगा। और ये जो मासूम बच्चे हैं उन्हें बाहर ना भेजिएगा। इनके खिलौने भी डिटॉल में, सावरॉन में धोकर इन्हें दीजिएगा। प्लीज़ सेफ़ रखिए, बी सेफ़ और बी हैप्पी। अभी मैं आपके साथ सांभर वाली रेसिपी शेयर की हूँ, जो कर्नाटक का फेमस है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 कप तूर दाल ली है, उसे धोकर सोक कर लिया था। इसमें मैंने डाला है हल्दी, ऑयल और पानी डालूंगी 2 से 3 कप। इसके अच्छे से मैं 3-4 सीटियाँ लगा दूँगी। उसके बाद नमक डालकर मैं इसे रख दूँगी। तेल इसलिए डाला है डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टिक है, कुकर से बाहर पानी नहीं आएगा, इसलिए तेल ज़रूर डालिए। ये कुछ सब्जियां हैं जो मैंने कट करके रखी है। ये टमाटर है, 6 टमाटर और ग्रीन हरा धनिया और आधा कप इमली का पल्प। ये है कैबेज, ग्रीन चिली, इसमें थोड़ी सी रेड ली है मैंने, करिया लीफ, गाजर, आलू और प्याज। आपके पास जो भी अवेलेबल है इस वक्त, जो भी अवेलेबल है ना वेजिटेबल्स, वो यूज़ कीजिएगा। एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह से बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो रहा, जो मेरे पास अवेलेबल था वही मैंने सांभर में डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 से 3 स्पून ऑयल डाला है। जैसे ही गर्म होगा इसमें डालूंगी धनिया, उसके बाद डालूंगी मैं हींग। डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं इस जो बनाती हूँ उस तरह का मैंने आपको शेयर किया है। इसके बाद डालूंगी थोड़ा सी मेथी धनिया, उसके बाद तड़के वाली मिर्च, उसके बाद करिया लीफ, उसके बाद जो कटी हुई प्याज है वो डालूंगी। इसे थोड़ा सा मुझे ट्रांसपेरेंट करना है। उसके बाद मैं सारी सब्ज़ियाँ जो काट कर रखी हुई थी वो सारी सब्ज़ियाँ मैं डाल दूँगी। प्लीज़ आपके साथ एक बात और शेयर करनी है, सब्ज़ियों को अच्छे से धोइएगा, उसको एक अच्छे से प्लेट में रखिए। जब वो पानी सूख जाए तब आप स्टोर करके रखिएगा फ्रिज में डियर फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने टमाटर सब डाल दिया, उसके बाद नमक डालूंगी, क्योंकि नमक सब सारी सब्जियों को गलने में आसानी होगी। उसके ढक कर 2-3 मिनट रख दूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी। देखिए ये सारी सब्जियां सेट हो गई हैं, स्पेशली आलू जो हैं अच्छे से थोड़े से पक गए हैं। और उसके बाद मैं डालूंगी लाल मिर्च यानी रेड चिली, उसके बाद धनिया पाउडर 2 स्पून। आप मसाले की तादाद, जो मिर्च की तादाद है सांभर में जितनी होनी है आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। ये मुझे बहुत पसंद है सांभर, मैं इडली सांभर भी इडली में भी बनाती हूँ। और मैं एक्चुअली आज इडली बनाई थी तो सांभर शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इडली तो आपको पता ही है। जैसे ही मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च और धनिया पाउडर, पानी डाल दिया, इमली का पल्प डाल के इसे थोड़ा सा पकने रखा है। इमली का पल्प की जो स्मेल होती है वो चला अच्छा पक जाए। उसके बाद मैंने डाला है जो मैंने सीटियाँ लगा ली थी दाल को, वो दाल मैंने मैश कर ली थी अच्छे से और इसे डाल दिया है, ऐड कर लिया है। इसी स्टेज पर मुझे ग्रेवी जितनी मुझे चाहिए सांभर में उतनी मैंने डाल दी। उसके बाद मैंने 3 स्पून सांभर पाउडर डाला है, सांभर है तो सांभर पाउडर पड़ता है डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा, तभी आपका सांभर कंप्लीट होगा। उसके बाद मैंने सब कुछ करने के बाद ग्रीन हरा धनिया डाल के इसे ढककर रख दिया है अच्छे से इसे पकने के लिए। देखिए कितना अच्छी खुशबू आ रही है, इडली रेडी है मेरी। ये सांभर मैंने अपने लंच में भी सर्व किया था, बहुत भी मैंने यही सांभर यूज़ किया है साइज़ के साथ। प्लीज़ फिर से एक बार कहती हूँ, बी सेफ़ बी हेल्थी। लॉकडाउन कीजिए, अपने आप को, अपने फैमिली को सेफ़ कीजिए, हम कॉलोनी वालों को भी सेफ़ कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।